आपको कुछ नए डिजाइन दिखाऊं? समीर जी सर, स्टोर में कुछ नए डिजाइन आए, जरा ले आओगे? जी अभी ला। इसे तो आपके खूबसूरत पांव में होना चाहिए। एक मिनट, परफेक्ट, टेंशन नॉट। सर ये तो समीर की आवाज है। हाँ हाँ चलो देखते हैं। समीर, 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 सर वो देखिए। हाँ, समीर, 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 अरे क्या हुआ समीर? समीर, ये क्या हुआ? क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ, व्हाई नॉट, आइए। देखिए आप जितनी जल्दी हो सकता है मुझे शहर पहुंचा दीजिए। जी मैं कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। मैं चला तो रहा हूं। देखिए आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। देखिए इससे ज्यादा स्पीड में मैं नहीं चला सकता हूं। देखिए यहां बिल्कुल ट्रैफिक नहीं और आप आराम से 100 की स्पीड पर जा सकते हैं। इस तरह हम बस तो पहुंचेंगे। देखिए एक बात मैं आपसे बोलूं, बहुत अजीब किस्म की लड़की हैं आप। देखो मैंने आपको आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी, ऊपर से जल्दी चलाओ कर करके आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा सुबह होने से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? देखिए मैडम मैंने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी खुद ब खुद खराब हो गई है, रुक गई है। क्या? तो आप जाके देखिए ना, आप कुछ कीजिए। सही कहा है, मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। पता नहीं इस बार को मैंने बैठा लिया, खराब कर दिया। सर जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे सिर्फ लिफ्ट दी थी। लिफ्ट दी थी तो भाग क्यों रहे हो? और किसे तुमने लिफ्ट दी थी? उसे, उसे। इंस्पेक्टर साहब ये लड़की, ये क्या मजाक है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इस लड़की को मैंने सिर्फ लिफ्ट दी थी। मैंने इस लड़की को सिर्फ लिफ्ट दी थी, ये लड़की है। देखिए मैं आपसे सच कर रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि मैं पागल हूँ।
देखिए जस्ट रिलैक्स, मे भी आपका भ्रम है। अरे मेरा भ्रम नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कभी अगर आपको मिल गई तो आपको पता चल जाए कौन। ओके जस्ट रिलैक्स, आई नो आप पागल नहीं है। ओके जस्ट रिलैक्स, सुनिए जस्ट लिसन टू मी प्लीज। अविनाश, ये आदमी पागल नहीं है। तो फिर ये झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ किस हालात में लोग झूठ बोलते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस लड़की को इस आदमी ने लिफ्ट दी वो पल भर में मैनिक्विन बन गई? आज का पेपर पढ़ा तुमने? या, पुणे वाले केस की बात कर रही हूँ ना? राइट, जहाँ पर एक सेल्समैन मूर्ति बन गया और किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया। और उस शोरूम में मैनिक्विंस ही मैनिक्विंस थे। और इस आदमी का भी यही कहना है कि इसने एक आम लड़की को मैनिक्विन में कन्वर्ट होते देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में जरूर कोई सिमिलैरिटी है। शिखा, पूना वाले केस में उस लड़के की मूर्ति बिखर गई थी। राइट, लेकिन इस मैनिक्विन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या, मैनिक्विन को कुछ नहीं हुआ? इसीलिए मुझे लगा कि या तो ये आदमी पागल है या फिर हमसे झूठ बोल रहा है। वो मैनिक्विन कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन में जमा है। भाग कोशिश करता हूँ, रात होने से पहले काम खत्म कर दूँ, पर होता ही नहीं। पता नहीं कब शाम हो जाती है और कब यहाँ पर रात हो जाती है। कंटाल गए। सच बोल रहा हूँ यार, ना तो मेरे पास लाइसेंस था और ना मेरे पास बाइक के पेपर्स, और ऊपर से बाइक भी टो। अब अगर ऐसे मैं बाइक में वहाँ छोड़ देता ना तो मैं बहुत बुरे तरीके से फंस जाता यार। तो फिर तूने किया क्या? अरे मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था, मैंने चुपके से अपनी बाइक वहाँ से उठाई और भाग निकला वहाँ से। तू तो शेर है बॉस, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। हाँ वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे वो देख कौन है, पुलिस है क्या? अरे इडियट, हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, जाके लेके ना। मेरे क्या चार हाथ है, इतना ऑर्डर मैं अकेले लेके आऊंगा, तू भी चल। चल। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। ओके।
मैनिक्विन, ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? कौन है यहाँ पर? रोहित, स्वाति, अरे इन्हें क्या हुआ? भाई भी नहीं बोल के गए, अजीब बात है यार। कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हुआ? स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हो गया? स्वाति, स्वाति, प्रेम तो फिर रोहित के साथ कौन था? वो स्वाति नहीं हो सकती। प्रेम क्या मतलब है तुम्हारा? स्वाति हमारे सामने बिखर के धूल हो गई। प्रेम, वो स्वाति नहीं, वो कोई बुरी आत्मा है। रोहित की जान खतरे में, रोहित की जान खतरे में है। प्रेम साहब, क्या हुआ तुम? मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था उस दरवाजे पे। वो ताला लगाया दरवाजे से चली गई। वो कहीं से भी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती, वो कुछ भी कर सकती। मेरी गलती नहीं है। सावन, वो मैनिक्विन यहाँ रखी हुई थी, कहाँ गई वो? मेरी सावन, वो मूर्ति, अरे वो पुतला जो स्टोर रूम में रखा था, वो कहाँ गया? मैं उसी पुतले की बात कर रहा हूँ। वो पुतला नहीं, एक लड़की थी। नहीं, वो लड़की नहीं, एक आत्मा थी। आत्मा नहीं, आत्मा, वो चली गई। अच्छा ठीक है, प्लीज चुप करके बैठा तुम। अब हम उस मैनिक्विन को कहाँ ढूंढेंगे? मेरे, वन सेकेंड। हेलो, क्या कहाँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। बुद्धू क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, और इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आया। बस समझे बुद्धू? क्या? मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात आ सकती है। अब तक तुम मुझे जानते ही कहाँ हो। रोहित, प्रेम, सॉरी यार, हम लोग बस ऐसे ही वहाँ से आ गए। रोहित तू मेरी बात सुन, जो लड़की तेरे साथ है ना, वो स्वाति नहीं है। क्या? मेरी बात का विश्वास कर, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ यार, सच बोलूँ तो ये मुझे भी स्वाति नहीं लग रही। रोहित मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तेरे जाने के बाद हम लेडीज रूम में गए थे, वो स्वाति वहाँ थी। क्या मतलब है तेरा? स्वाति एक मूर्ति बन चुकी थी यार, और जैसे ही हमने उसे छुआ वो धूल बनकर बिखर गई। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं वहां अकेला नहीं था यार, हम सबने देखा है ये। रोहित, प्रेम की बात का विश्वास कर, जो तेरे साथ है वो स्वाति नहीं है, वो कोई बुरी आत्मा है। तू प्लीज वहां से भाग जा। रोहित,
रोहित क्या हो रहा है? ये वही बुरी आत्मा जिसने स्वाति को भी मूर्ति बना दिया था और अब देखो अगली बार हम दोनों भी ए, प्लीज तू डरा नहीं हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ वो हमें छोड़ेगी नहीं वो हमें भी मार डालेगी कौन है वो जो तुम लोगों को मार देगी अविनाश सीबीआई तुम लोग कौन हो हम रोहित के दोस्त हैं सर सर हमारी एक दोस्त है स्वाति थोड़ी देर पहले उसके भी यही हाल हुआ था कहाँ है कॉफी हाउस में सर उसे हाथ मत लगाइए आपने उसे क्यों छुआ आपने उसको हमारी दोस्त स्वाति का भी यही हाल हुआ था वो भी ऐसे ही बिखर गई थी Oh my God, अविनाश! कहीं ये उंगली उस मूर्ति की तो नहीं मूर्ति के अंदर इंसान की हड्डी ये कैसे हो सकता है इसका मतलब ये मूर्ति किसी इंसान के कंकाल पे बनाई गई है पहले स्वाति फिर रोहित और बिल्कुल उसी तरह पूना में समीर नाम के लड़के की मौत हुई थी वो भी एक शोरूम में लेकिन उसने उत्पल और वो कांस्टेबल को क्यों नहीं मारा यू आर राइट शिखा सिर्फ इन तीनों को ही क्यों मारा जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो इस मूर्ति के अंदर किसी की लाश है किसकी है नहीं सर हम कुछ नहीं जानते सर पागल मत बनो तुम्हारी जान भी खतरे में है अकलमंदी इसी में है कि तुम लोग जो कुछ भी जानते हो साफ साफ मुझे बता दो सब हम सचमुच कुछ नहीं जानते सबसे पहले समीर का कत्ल पूना के एक शोरूम में हुआ था हमें उस शोरूम में जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि उस शोरूम में ये मूर्ति कहां से आई उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि उस मूर्ति में शरीर किसका है और ये उंगली किसकी है
पूजा, ये नहीं हो सकता पूजा, तुम वापस नहीं आ सकते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.